जी स्क्रीन दिख रही है, चेहरा मेरा नहीं दिख रहा होगा, आवाज सुन रहे होंगे आप? ठीक है, जी जी सर, कोई बात नहीं, दिख आवाज रहा है सुनाई अब, दे रही ना। क्लियर दिख रहा है। हाँ, तो हम जो बात कर रहे थे कि पाठ योजना निर्माण से कक्षा नियंत्रित और अनुशासित रहती है, राइट? अनुशासित, कक्षा में जी सर, अनुशासन बनाए रखने के लिए और कक्षा को नियंत्रित करने के लिए क्या होता है, पाठ योजना की आवश्यकता एक शिक्षक को होती है। दूसरा जो बिंदु है वो ये है कि इससे जो शिक्षण अधिगम, क्या है, अधिगम किसे कहते हैं बताइए? अधिगम ये है अभी अभ्यास और अनुभव के द्वारा जो हम सीखते हैं उसे अधिगम कहते हैं, ठीक है ना। और शिक्षण क्या है कि जी शिक्षण जो है जो एक विचारों के विनिमय की प्रक्रिया, एक तरीके से जो शिक्षक योजना के अनुसार शिक्षण करता है उसे, तो जी इसे शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया के नियोजन में सहायता मिलती है। नियोजन मतलब एक किस तरीके से मुझे कौन सा विकास करना है, किसके अनुसार मुझे पढ़ाना है, कौन सा पाठ पढ़ाना है, वो नियोजन कहलाता है। कब पढ़ाना है, कितने समय में पूरा करना है, 40 मिनट में मुझे अपनी बात को रखना है, 30 मिनट में मुझे अपनी बात को रखना जी है। तो जो 40 मिनट में एक कक्षा होती है हम लेते हैं, और उसको पूरी को मुझे क्या क्या पढ़ाना है, कितना, कैसे प्रश्न पूछना है, मूल्यांकन कैसा है, इस सब का नियोजन व्यवस्थित रूप से करने में पाठ योजना सहायक होती है, ठीक है। दूसरी बात आ जाती है, जी सर, कि ये जो है ये शिक्षक के लिए मार्गदर्शक का कार्य करती है। ये करी मार्गदर्शक एक तरीके से जो हम कहते हैं कि मार्गदर्शक का जो सर स्लाइड चेंज हो गई स्लाइड चेंज हो गई, कौन जी सर। सी स्लाइड आ गई? अच्छा नहीं, अच्छा, हाँ ठीक है। हाँ सर, इसमें जो है ये क्या अभी करती है, शिक्षक के लिए मार्गदर्शक का कार्य करती है। एक जैसे मार्गदर्शक हमें किस रास्ते पे चलना है, हमें क्या जो है, हमें क्या पढ़ाना हेलो है, वो सब। हाँ हेलो, ठीक है ठीक, आ रही है ना। सर, नहीं सर, वो अभी ये पाठ योजना के सिद्धांत वाली स्क्रीन आ रही है अभी। नहीं, अभी कौन सी आ गई, पाठ योजना की आवश्यकता आ गई ना। नहीं सर, पाठ योजना के सिद्धांत आ रहे हैं अभी इसमें। अब आ गया होगा। हाँ सर, अब हो गया। हाँ एक्चुअली बीच बीच में मैं सभी चीजों को करके देख रहा हूँ ना, ठीक है अच्छा भाई। सभी चीजों को इसलिए रोका था कि आगे इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो मार्गदर्शक का कार्य अच्छा करती है ना। और दूसरी बात आ जाती है कि विद्यार्थी के अंदर नवीन ज्ञान का सृजन होता है इससे। भाई हम पूर्व ज्ञान के आधार पर नया ज्ञान बच्चों में देना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या होती है, पाठ योजना की जो है आवश्यकता होती है ना। जी दूसरी चीज क्या है कि जब बच्चों के अंदर हम विभिन्न शिक्षण कौशल, अब देखिए शिक्षक को कई सारे कौशलों की आवश्यकता होती है। जो शिक्षण कौशल कौन कौन से होते हैं, जैसे प्रश्न पूछना, है जी ना, ये शिक्षण हाँ कौशल है। ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल करना है ना, स्क्रीनशॉट जी जरूर ले लेना यार, सर, हाँ सर, हो रहा है, ले लिया हाँ मैंने। स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। और शिक्षण कौशल तुम जानते हो कौन कौन से होते हैं? शिक्षण कौशल होते हैं श्यामपट्ट कौशल, ठीक है, प्रश्नोत्तर, जेस्टर, दृष्टांत, उदाहरण देना, ठीक है, मूल्यांकन, ये सब क्या होते हैं, शिक्षण कौशल के अंतर्गत आते हैं। तो शिक्षण कौशल विधि कौन कौन सी होती है, विधियां जैसे हम खेल की विधि के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, प्रश्नोत्तर विधि के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, परियोजना विधि के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, या फिर हम क्या बोलते हैं
आगमन निगमन विधि के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और इस तरीके से ऑब्जर्व अवलोकन विधि के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, संवाद विधि के माध्यम से। तो ये जो जितने शिक्षण कौशल हैं, विधियां हैं और प्रविधियां, उनकी पूरी जानकारी शिक्षक को क्या हो जाती है, पाठ योजना के माध्यम से हो जाती है, इसीलिए भी पाठ योजना की आवश्यकता होती है। ठीक है, समझ में आया पाठ योजना की आवश्यकता क्या होती है? कक्षा को नियंत्रित करने के लिए, अनुशासित करने के लिए, और शिक्षण अधिगम को नियोजित करने के लिए, शिक्षक को एक मार्गदर्शक के कार्य रूप में कार्य करती है, विद्यार्थियों यानी छात्रों के अंदर नए ज्ञान का सृजन होता है इससे, और शिक्षक को शिक्षण कौशल विधियों और प्रविधियों की पूर्ण जानकारी होती है। राइट, ठीक है भाई। हेलो हेलो हेलो, अब हम बात करते हैं पाठ योजना के उद्देश्य। हेलो, हेलो, हाँ सर, आपका मुझे लग रहा है कनेक्शन गड़बड़ है, वहां आप अंदर बैठे हुए हैं ना, मुझे लग रहा है ऐसी जगह आप पहुंचिए जहां आपका कनेक्शन सही रहे, इंटरनेट सही से छत पे आ जाइए। अच्छा, कोशिश करता हूँ सर, है ना, कोई बात नहीं, चलते हुए आ जाइए। जी सर, बहुत अच्छा, गुड, वेरी गुड। सर अब आ रही क्लियर वॉइस? हाँ, अब बिल्कुल आवाज क्लियर आ रही है आपकी, बहुत अच्छा, गुड, ठीक सर, ओके, ठीक है ना। हाँ जी सर, तो अब हम, हाँ, तो इसलिए पाठ योजना की जो आवश्यकता होती है एक शिक्षक के लिए, वो इसलिए होती है कि हम कक्षा को नियंत्रित कर सकता है शिक्षक, कक्षा को अनुशासित बना रख सकता है, और जो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया उसका पूरी तरीके से नियोजन कर सकते हैं, योजनाबद्ध तरीके से पाठ्य योजना को बना सकता है, और जो पाठ्य योजना है वो शिक्षक के लिए एक मार्ग दिखाती है, रास्ता दिखाने का कार्य करती है, और विद्यार्थियों के अंदर इससे नए ज्ञान का सृजन होता है, नए ज्ञान का निर्माण होता है, और शिक्षक जो है जितने भी शिक्षण कौशल है, विधियां प्रविधियां, उनकी पूरी जानकारी मिलती है। इस तरीके से एक शिक्षक को पाठ योजना की आवश्यकता होती है। अब हम बात करें कि पाठ योजना के उद्देश्य क्या होते हैं, पाठ योजना की आवश्यकता और जो उद्देश्य, देखिए जो उद्देश्य की हम बात करें, ऑब्जेक्टिव और लेसन प्लान की बात करें, तो कक्षा कक्ष में जितनी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो होती है और शिक्षण सहायक सामग्री, शिक्षण सहायक सामग्री कौन कौन सी है बताइए। हेलो, शिक्षण शिक्षण सहायक सामग्री बताइए क्या होती है। शिक्षण सहायक सामग्री में पुस्तक, श्यामपट, और अच्छा, श्यामपट नहीं, लपेट श्यामपट जो है, ठीक है, सबसे पहले आएगा आपका चौक, डस्टर, है ना, क्या क्या, चौक, डस्टर और शिक्षण सहायक सामग्री क्या होती है, चौक, डस्टर, पुस्तक, संकेतक, ये, ठीक है ना, है ना, तो इन सबकी जो है पूरी जानकारी शिक्षक को हो जाती है। दूसरी चीज इसका जो है, जो पाठ्य वस्तु के सभी तत्व, पाठ्य वस्तु के सभी तत्व, आप कोई पाठ पढ़ा रहे हैं तो उसमें कौन कौन से तत्व मौजूद हैं, उनका विवेचन बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं पाठ योजना के माध्यम से। दूसरी चीज, प्रस्तुतिकरण के क्रम को निश्चित किया जा सकता है कि हमें कैसे पाठ का प्रस्तुत करना है, ये जो प्रस्तुतिकरण का जो क्रम है वो निश्चित होता है कि सबसे पहले हमें क्या बताना है, क्या नहीं बताना है, वो निश्चित होता है। इसी चीज आ जाती है, शिक्षक की जो विस्मृति की संभावना कम हो जाती है। कभी कभी ये होता है कि हम कक्षा में जाते हैं और उसको भूल जाते हैं कि हमें क्या पढ़ाना है, तो पाठ योजना के माध्यम से हम जो शिक्षक है वो उसे स्मरण रहता है, सब चीज वो याद कर सकता है और उसकी सहायता से वो बच्चों को पढ़ा सकता है। मतलब तात्पर्य ये है कि वो भूलता नहीं है और पाठ योजना में देख करके वो तुरंत जो है शिक्षक जो है बच्चों को, विद्यार्थियों को बता सकता है।
हमें कौन सी विधि के माध्यम से पढ़ाना है, कौन सी विधियों के ने उनका निर्धारण पहले से ही शिक्षक कर लेता है, इसका उद्देश्य ये होता है। फिर शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों के मूल्यांकन की प्रक्रिया को निर्धारित करता है। मतलब मूल्यांकन जब हम पढ़ा लेते हैं, जब हम पढ़ा लेते हैं, शिक्षण कार्य पूरा कर लेते हैं, तो मूल्यांकन एक दो प्रश्न पूछ के बच्चों से पूछते हैं ना, जैसे मैंने आपसे अभी पूछा था कि भाई बताइए शिक्षण सहायक सामग्री में कौन सी वस्तु होता है, तो ये मूल्यांकन है एक तरीके से। हम कुछ प्रश्नों के माध्यम से बच्चों का कक्षा में मूल्यांकन कर लेते हैं, तो ये उद्देश्य हो जाते हैं पाठ योजना के और आवश्यकता हो जाती है। मैं समझता हूँ इतना क्लियर हो गया होगा, और मैं आपको ये पूरा भेज दूंगा अभी, है ना। अब बात हम आगे कर लेते हैं, पाठ योजना के सिद्धांत क्या होते हैं, थ्योरीज ऑफ लेसन प्लान। देखो सिद्धांत की बात जब आती है तो हम वहां एक दर्शन का इस्तेमाल करते हैं, विचार का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर जो पाठ योजना का सिद्धांत ये है कि बच्चे के अंदर शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को सुचारू बनाना, ये सिद्धांत है। अब वो उसके अनुसार हम पाठ योजना के कुछ जो सिद्धांत होते हैं उसके अनुसार हम क्या करते हैं, उसमें इस्तेमाल प्रयोग करते हैं पाठ योजना में। कौन कौन से सिद्धांत के आधार पर जो है हम शिक्षण योजना बनाते हैं, तो सबसे पहली बात हमारा जो सिद्धांत रहता है पाठ योजना का, जो सिद्धांत है कि अधिगम का सिद्धांत, लर्निंग अधिगम का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग। मतलब हमारी जो पाठ योजना इस सिद्धांत पर आधारित होती है कि बच्चों को कुछ सिखाना है, समझ में आ रहा है, बच्चों जी को कुछ सिखाना है हम कुछ, तो इसलिए वो अधिगम का सिद्धांत होता है। दूसरा उद्देश्य निर्धारण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव। हम कक्षा में जाते हैं लेसन प्लान बनाने से पहले, पाठ योजना बनाने से पहले हम उद्देश्यों को निर्धारित करते हैं, सामान्य उद्देश्य होते हैं, विशिष्ट उद्देश्य होते हैं, ये निर्धारित करते हैं, उद्देश्य निदान का सिद्धांत। है ना। उद्देश्य बनाते हैं ना हम कि अब इतिहास आपको पढ़ाना है, तो इतिहास पढ़ाने का उद्देश्य होगा कि इतिहास पढ़ने से उनको अपने अतीत का ज्ञान होगा, ये उद्देश्य हो गया ना। हेलो हेलो हेलो, ईयरफोन लगा लो यार, जी हेलो सर। ईयर हाँ आ रही आवाज कान में ईयरफोन नहीं है क्या? लगा रखी सर मैंने तो ऑलरेडी। अच्छा तो वो मुझे लग रहा है हिल रहा है, ठीक से लगाओ उसको, है ना, ऐसा लग रहा है कि मूवमेंट हो रहा है, हिल रहा है। तो उद्देश्य निर्धारण कि आप जो इतिहास का आपने उद्देश्य बनाया, तो उसका उद्देश्य इतिहास नहीं पढ़ाना है, सर उद्देश्य यानी इतिहास आप पढ़ा रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, तो हिस्ट्री पढ़ाने का उद्देश्य क्या है कि आप ये मान के चलेंगे ना कि बच्चों के अंदर इतिहास अर्थात अतीत में घटित घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त होगी, ये उद्देश्य हो गया। तो ये उद्देश्य हम लेकर चलते हैं, सामान्य उद्देश्य या विशिष्ट उद्देश्य लेते हैं, तो उसे हम उद्देश्य निर्धारण का सिद्धांत कहते हैं पाठ योजना में। फिर आता है अभिप्रेरणा मोटिवेशन। मोटिवेशन प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन कि बच्चों को आप प्रेरित करते हैं, हाँ बच्चों बताओ, आप बताओ, आप बताओ, तो वो उनको प्रेरित करते हैं, बच्चों को जो मोटिवेट करते हैं कुछ कहानी सुना करके, कुछ वीडियो दिखा करके, कुछ उनको पीपीटी के माध्यम से। तो जो बच्चों को प्रेरित करते हैं, उनको उत्सुक करते हैं कि वो सीखें कक्षा में, तो उसको बोलते हैं अभिप्रेरणा का सिद्धांत बोलते हैं, ठीक है। फिर लोच का सिद्धांत होता है। जी हेलो हेलो, जो लोच का सर, सिद्ध अब लोच लोच का का सिद्धांत। हाँ लोच का सिद्धांत ये होता है, कोई बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है और वो पूछ रहा है, तो जो शिक्षक है उसे बार बार बताता है, मतलब ये नहीं कि गुस्सा करेगा, मतलब उसको में फ्लेक्सिबिलिटी भी रहेगी कि भाई थोड़ा नरम भी होना पड़ेगा उसको बच्चे की क्षमता के अनुसार, तो उसे हम लोच का सिद्धांत बोलते हैं, ठीक है। व्यापकता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंप्रेहेंसिव का मतलब ये है कि यही नहीं, मतलब उसको कोई भी चीज अगर हम समझा रहे हैं तो उदाहरण देकर उसको बड़े स्तर पर बताएं, उसको गहराई से बताएं, ठीक है ना, उसे हम बोलते हैं व्यापकता का सिद्धांत। जी फिर रुचि का सिद्धांत, बच्चे की रुचि के अनुसार किसी किसी बच्चे को मान लीजिए मतलब जो है ताजमहल की वो जानकारी प्राप्त करना चाह रहा है कोई बच्चा, और किसी बच्चे की रुचि क्या है, मांडू का जो है देखना है, या फिर धर्मराजेश्वर का जो है मंदिर देखना है, किसी को कुछ और देखना है, तो वो रुचि बच्चों की अलग अलग होगी ना इतिहास में,
तो उनकी रुचि के अनुसार अगर हम उनको शिक्षण करते हैं, ठीक है, कहानी सुनने की मान लो इच्छा हो रही है बच्चे की, तो हम उसे कहानी सुनाएंगे, है ना। कहानी के अनुसार हम अपने उसको बच्चों को पढ़ा सकते हैं। मनोरंजन का सिद्धांत, मनोरंजन का ये कि बच्चों को खेलने की इच्छा हो रही है तो बच्चों का मनोरंजन, मतलब हम ऐसा खेल मनोरंजन दिखाएं, ऐसे कोई फिल्म दिखा सकते हैं, हम उनको जोधा अकबर फिल्म दिखा सकते हैं, या फिर हम उनको खेल खिला सकते हैं, उनको हम कुछ गाने वो गाना चाहते हैं तो गाने हम जो है, या फिर अंताक्षरी के माध्यम से, तो वो मनोरंजन एक तरीके से मनोरंजन करके हम बच्चों को इतिहास का शिक्षण करवा सकते हैं, तो उसे हम मनोरंजन का सिद्धांत बोलते हैं पाठ योजना के अंतर्गत। फिर निश्चितता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डिटर्मिनेशन, ठीक है। तो कुछ जो परिभाषाएं होती हैं वो एक निश्चित होती है, उनमें बदलाव नहीं हो सकता, है ना। परिभाषाएं जो होती हैं उनमें परिवर्तन नहीं कर सकते, तो एक निश्चितता रहती परिभाषाएं, तो उनको हम बोलते हैं निश्चितता का सिद्धांत। फिर बात आती है आपकी आवाज बंद थी अभी, जी सर। आवाज बंद थी आपकी, अभी साउंड बंद थी आपकी। नहीं सर, हाँ, अब बात आती है जीवन से संबंधता, मैंने बच्चों के आम जीवन से संबंधित जब हम उदाहरण देते हैं, ठीक है, जैसे आपने उदाहरण दिया बच्चों आपके गांव के पास में जो किला बना हुआ है वो किला किसने बनवाया था, तो ऐसे जब हम आप उदाहरण देते हैं तो उनके जीवन से संबंधित जो उदाहरण होते हैं, उनके जीवन से संबंधित हम शिक्षण करते हैं, पाठ योजना बनाते हैं, तो उसे हम जीवन से संबंधता का सिद्धांत कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विद लाइफ बोलते हैं। अब बात आ जाती है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत ये कहता है कि हर बच्चे की रुचि, उसी की क्षमता और उसकी बुद्धि लब्धि अलग अलग होती है। हेलो, हाँ सर, मतलब व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत क्या कहता है कि हर बच्चे की रुचि, क्षमता और बुद्धि लब्धि अलग अलग होती है, तो उसके अनुसार जब हम पाठ योजना बनाते हैं, मतलब जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनको भी ध्यान में रखते हैं, और जो जो बोलते हैं कमजोर बच्चे होते हैं जिनकी बुद्धि लब्धि कम होती है उनके अनुसार भी ध्यान रखते हैं, और ज्यादातर हम जो पाठ योजना बनाते हैं जो मध्यम स्तर की पाठ योजना बनाते हैं जिसमें कि ज्यादातर बच्चे औसत बुद्धि वाले होते हैं उनके अनुसार बनाते हैं हम, तो उनकी रुचि, उनकी क्षमता, उनकी बुद्धि लब्धि के अनुसार जब हम पाठ योजना का निर्धारण करते हैं तो उसे हम व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत कहते हैं। कहते हैं। तो ये इस तरीके से पाठ योजना के कुछ सिद्धांत हैं, इनको आप गूगल करके ही पढ़ सकते हैं, अन अकेडमी पर जाकर के, या दूसरे जो साइट हैं उन पर भी जाकर के पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। यूट्यूब पर इस पर कई सारे जो है जो पार्थ एजुकेशन जो है उसके साइट पर पड़े हुए हैं कुछ चीजें बहुत सारी, वहां पर भी जाकर के पढ़ सकते हैं। अपना मुख्य ये उद्देश्य ये था कि पाठ योजना के ये सिद्धांत होते हैं, इन सिद्धांतों का प्रयोग करके शिक्षक जो है अपने पाठ योजना को प्रभावी और रुचिकर बना सकता है, ठीक है। बस अब पाठ योजना की जो विशेषता की जब हम बात कर रहे हैं तो पाठ योजना की कुछ विशेषताएं होती हैं, विशेषताएं जो पहले हम बता चुके हैं वही इसकी विशेषताओं में आएगा कि जो पाठ योजना क्या होती है, एक व्यवस्थित क्रम होता है, ठीक है, क्या होता है, एक जी सर, व्यवस्थित और क्रमबद्ध रूप से तैयार की जाती व्यवस्थित है क्रम। जिसमें प्रत्येक बिंदु पाठ योजना का, प्रत्येक बिंदु पाठ योजना के कौन कौन से बिंदु बताए थे, जैसे सामान्य सूचनाएं हैं, है ना, सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, शिक्षण सहायक सामग्री, शिक्षण विधि, ठीक है ना, पूर्व पूर्व ज्ञान, पूर्व प्रस्ताव, ज्ञान इत्यादि के माध्यम से जितने भी बिंदु हैं पाठ योजना के, मतलब सामान्य सूचना से लेकर के गृह कार्य तक, ठीक है, सामान्य योजना से लेकर गृह कार्य तक जितने भी बिंदु हैं कार्य पाठ योजना के, उन सबको क्रमबद्ध रूप से स्पष्ट और सरल भाषा में लिखा जाता है, इसमें अपने आप जो लेसन जी प्लान डायरी होती है उसमें आप अंकित करते हैं, और इसे इसे समयावधि को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाता है। समयावधि कितना, कि आप जो कक्षा लेंगे वो 40 मिनट या 35 मिनट की कक्षा लेंगे, कितने मिनट की, समय अवधि जो होगी वो जी, 40 मिनट या 35 मिनट की होती है, 40 से 35 तो जो 40 मिनट या 35 मिनट जी। के समय को ध्यान में रखते हुए आप पाठ योजना को तैयार करते हैं,
इससे ना तो कम ना इससे ज्यादा, ठीक है, क्योंकि 45 मिनट 40 मिनट ही मनोवैज्ञानिक रूप से बच्चों को या किसी व्यक्ति को सुनने की क्षमता, 40 मिनट तक कोई भी बच्चा सुन सकता है। उसके ओके बाद उसकी अधिगम जो होता है, वो पठार जो होता है, वो धीरे धीरे कम होने लगता है। तो इतनी बात क्लियर हुई पाठ योजना का सिद्धांत, जी पाठ सर। योजना की विशेषताएं, ठीक है। अब सर पाठ योजना के सिद्धांत में एक पॉइंट और क्लियर कर दीजिएगा, हाँ बताओ बताओ। हाँ पूछो। ये निश्चितता का सिद्धांत, निश्चितता का, हाँ हाँ प्रिंसिपल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। निश्चितता का सिद्धांत देखो बेटा, ये है कि जब आप पाठ योजना के अंतर्गत पाठ योजना बनाते हैं, तो उसमें अगर आप कोई परिभाषा दे रहे हैं या कोई डेफिनेशन दे रहे हैं, तो परिभाषा उसमें कोई बदलाव नहीं होता, उसमें परिवर्तन नहीं होता, वो परिभाषा निश्चित रहती है, उसमें बदलाव नहीं होता। कुछ जो टेक्निकल वर्ड होते हैं, कुछ तकनीकी शब्द होते हैं, उनमें आप परिवर्तन नहीं कर सकते। जैसे अब अकबर का शासन है, तो अकबर का शासन ही कहना पड़ेगा। आपको इतिहास में आप अतीत की घटनाओं का वर्णन करते हैं, तो अतीत की घटनाएं रहेंगी उसमें, है ना हाँ भाई। इतिहास क्या करता है, अतीत की घटनाओं का अध्ययन है, वो तो एक निश्चित रहेगा ना, तो उसको हम बोलते हैं जी सर, निश्चितता का सिद्धांत। आपका जो समय है पाठ योजना में, समय 40 मिनट है, तो वो 40 मिनट की ही निश्चित करके लेकर जाएंगे आप। आपने जो प्रकरण रखा है, प्रकरण का जो नाम किया है, वो निश्चित करना पड़ता है। आप कोई भी प्रकरण नहीं लेकर कर सकते। फिर पता चला आप प्रकरण लेकर गए अकबर का शासन, और पढ़ा आप रहे हैं जहांगीर का, तो वो ऐसा नहीं चलेगा। अकबर का शासन आपने प्रकरण पढ़ा रहे हैं, तो अकबर का शासन ही पढ़ाएंगे, इसे बोलते हैं निश्चितता, ठीक है। और जी सर, बताइए, बस आप बस ये एक पॉइंट था सर, हो गया क्लियर। अब हम आगे बढ़े। तो जी सर, अब सक्रिय अधिगम रणनीतियों के अनुसार योजना बनाना, प्लान अकॉर्डिंग टू एक्टिव लर्निंग स्ट्रेटजीज, जी है ना। तो हाँ हम सक्रिय अधिगम रणनीतियों के अनुसार जो योजना बनाते हैं, सबसे पहले हम ये समझें कि सक्रिय अधिगम रणनीति होती क्या है। हेलो। तो हाँ जब सर हम देखो सक्रिय अधिगम रणनीति होती क्या, उसे हम समझ लें पहले। अधिगम आपको पता है क्या होता है, अधिगम बताइए। अधिगम जी सर, किसी हाँ कार्य बताइए। में किए गए कार्य और उसके जो प्रयासों के अनुरूप जो परिणाम निकलता है उसे अधिगम कहते हैं। बहुत अच्छा, एक चीज इसमें और जोड़ लो, अभ्यास और अनुभव के माध्यम से, अभ्यास और अनुभव के माध्यम से अनुभव सीखना। आपने कोई कार्य के उससे अनुभव हो गया, और उसकी इसको बार बार करते हैं, तब हमें क्या होता है, हम सीख जाते हैं, अधिगम उसको कहते हैं, ठीक है। अभ्यास और अधिगम के माध्यम से, ठीक है, सीखना क्या कहलाता है, अधिगम सीखना कहलाता है। सीखना सामान्य शब्द है, और अधिगम जो है मनोविज्ञान का शब्द है। मनोविज्ञान के में सीखने को हम अधिगम कहते हैं। तो बच्चों को सिखाना है हमें, तो हम सिखाने के लिए क्या करते हैं, हम कुछ रणनीतियां बनाते हैं, और उन रणनीतियों में हम क्या करते हैं, देखो इसको हम ऐसे समझें कि जब विद्यार्थियों को उनकी विशिष्टता और स्तर के अनुरूप विभिन्न क्रियाएं, ठीक है, विभिन्न क्रियाओं जैसे लिखना पढ़ना चर्चा करना के माध्यम से उनको सीखने के लिए तैयार करते हैं, उनको अधिगम के लिए एक्टिव करते हैं। अब इसे एक उदाहरण से समझो। आप कक्षा में गए, हेलो, हाँ सर, आप कक्षा कक्षा में में गए। गए, कक्षा में जाते आप क्या करते हैं, हेलो गुड मॉर्निंग, और भाई मोनू आपने आज घर पे क्या खाया था, सर मैंने ये खाया, अच्छा, ये बताओ आपके घर के पास में कौन सा जो है, आपके घर का घर जो है कहाँ पर है, तो उसने कहा सर मेरा घर जो है इंदौर में हाँ है, अच्छा, इंदौर में रहते हो, बहुत अच्छा, तो इंदौर में के पास जो कौन सी इमारत कौन सी है, इंदौर किस लिए प्रसिद्ध। तो ऐसे करके जब हम कुछ चर्चा करते हैं, उनसे कुछ बातचीत करते हैं, तो उनको हम तैयार करते हैं, एक्टिव करते हैं कक्षा को, है ना। और एक्टिव जब हम करते हैं, उनको सक्रिय करते जी हैं, तत्पर करते हैं जब कक्षा को, तो उसे हम क्या बोलते हैं। अब इसे तत्पर कैसे करते हैं, आप प्रश्न पूछ सकते हैं, कुछ ब्लैक बोर्ड पे जाकर के लिख दिया, कुछ आपने कुछ बना दिया, ठीक है, उनको कुछ कहानी के माध्यम से आप उनके बातचीत करके,
ऐसे करके जब हम विभिन्न प्रक्रियाएं करते हैं करियर उनके स्तर के अनुसार, तो उसे हम बोलते हैं सक्रिय अधिगम रणनीति कहते हैं। अब सक्रिय अधिगम रणनीति में कई सारी चीजें होती हैं। आप प्रश्नोत्तर प्रश्न क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं, आप वाद विवाद का रख सकते हैं बच्चों के बीच में, उनको आप रोल प्ले करने के लिए किसी बच्चे से कहिए भाई आप अकबर का रोल करके दिखाओ, आप जोधा का करके दिखाओ, आप शाहजहां का करके दिखाओ, आप जो है चंद्रगुप्त का रोल करके दिखाओ, आप विक्रमादित्य का रोल करके दिखाओ। तो जो रोलिंग आप करवाएंगे, भूमिका का निर्वहन करवाएंगे बच्चों से, या पोस्टर बनवा रहे हैं आप, या कला प्रतियोगिता करवा रहे हैं, रंगोली प्रतियोगिता करवा रहे हैं, वो सब सक्रिय अधिगम रणनीतियों के अंतर्गत आता है। ठीक है। हेलो 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 हेलो। हाँ सर, तो अब बात हम कर लेते हैं, ठीक है, जैसे प्रश्नोत्तर है, वाद विवाद है, भूमिका निर्वहन है, पोस्टर बनाना है, ये सब सक्रिय अधिगम रणनीति के अंतर्गत आती है। इसके अनुसार आप पाठ्य योजना बना, अपनी पाठ्य योजना बना के लेगा, जो मैं प्रश्न पूछूंगा, मैं बच्चों के बीच में डिस्कशन कराऊंगा, या उनसे जोधा या विक्रमादित्य का रोल प्ले करवाऊंगा। कोई बच्चा है अच्छा रोल प्ले कर रहा है, किसका, अकबर का है, या फिर क्या बोलते हैं आप चंद्रगुप्त मौर्य का है, या फिर क्या बोलते हैं विक्रमादित्य का रोल प्ले है। इस तरीके से रोल प्ले आप करवा सकते हैं, पोस्टर बनवा सकते हैं, रंगोली बनवा सकते हैं, है ना, कई सारी जो है क्रियाओं के माध्यम से, ठीक है, कई सारी क्रियाओं के माध्यम से पाठ पढ़ा सकते हैं उनको, उनको जो है नाटक करवा सकते हैं, ठीक है, उनको फिल्म दिखा सकते हैं। कई सारी योजनाओं के माध्यम से जब आप तैयार करते हैं छात्रों को अधिगम के लिए, शिक्षण के लिए, तब हम उसे शिक्षण अधिगम रणनीति कहते हैं। और हम इसको अनुसार जब पाठ्य योजना बनाते हैं तो उसे हम सक्रिय अधिगम रणनीति पाठ्य योजना कहते हैं। ठीक है। और बस अब हम आगे करें तो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, बस ज्यादा कुछ नहीं है, खत्म हो जाएगा। तो अभी मैं, हेलो, हाँ सर जी, इतना मैं समझता हूँ क्लियर हो जाना चाहिए, इतना मैं समझता हूँ सही है, बाकी फिर मैं आज, हेलो, हाँ सर आज आज हम बोलिए। आज हम 3-4 बजे मिल सकते हैं, हाँ आप टाइम बता दो आयाम, कि 5 बजे मिल जाए, क्योंकि आज मुझे ये यूनिट खत्म कर देनी है। ठीक है, फिर कल फिर हम अगली यूनिट पे काम करेंगे। ठीक ठीक है, तो आप टाइम जैसा बताओ, हो कितने एग्जैक्ट तो। टाइम बता दो मेरे हाँ को। ठीक, 5 बजे है ना। हेलो, सर, 4 के आसपास स्कूल हाँ में खुद ठीक, हाँ को लगो। हाँ 4 बजे, ठीक है, सही है सर, हाँ जैसा उचित, 4 या 5 कौन सा भी आपको जैसा उचित लगे ना। तो बता आप लेना। बता दो, आप अपने अकॉर्डिंग बता दो, ठीक है ना, क्योंकि अपन ऐसा टाइम रखना चाह रहे हैं कि जहाँ जब ट्रैफिक कम हो, मतलब इंटरनेट अच्छा चल रहा हो, ट्रैफिक कम होगा तो अच्छी बात हो पाएगी, जी सर, है ना। तो हम ठीक 5 बजे हाँ जुड़ जाते हैं। तो सर, 4 ठीक हाँ 4 बजे, बिल्कुल ठीक है, है। एग्जैक्ट 4 बजे मैं हो जाऊंगा और आपको इनवाइट कर लूंगा। ठीक है, ओके, इसको पढ़ लीजिए, मैं अभी इसको ठीक शेयर शेयर है, कर देता हूँ, 5 बजे। आपके पास भेज देता हूँ, अभी अभी मैं आपको भेज देता हूँ ये पीपीटी, है ना, और वो क्या बोलते हैं। ओके ठीक है फिर।